आप को सत्यता दृढ़ता से स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हमारा काम न इधर का उधर का दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। जब ऐसी सच्ची धारणा तुम्हारी बन जाएगी तो काम होने में देर नहीं, काम करने वाला तुम्हारे पास है, वो कभी तुम्हारे दूर से होता ही नहीं। दूरियां हमारे आप में होती हैं, जो हम उनसे दूर हो जाते हैं, उनको दूर समझते हैं, लेकिन वो जो सत्य का संबंध है जिसे नामदार कहते हो, ये संबंध बड़ा कठिन है और इसमें कभी विच्छेद नहीं होता। ये संधि कभी विच्छेद में परिवर्तित नहीं होती, जो एक बार जुड़ गई वो जुड़ गई। सिंह दहन सदगुरु गहन, केला फरे एक बार, त्रिया तेल हमीर हर चढ़े मधु जीवा, कहा ये काम दोबारा कभी नहीं। एक ही बात, सदगुरु जिसको पकड़ लेते हैं, जब तक जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लेंगे, कहा मानव शरीर को छोड़ के जाने वाले नहीं, नहीं तो उनका वचन झूठा हो जाएगा। वो अपने वचन के बहुत पक्के, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कोई लीला कोई खेल कोई करिश्मा कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो अपना काम करके जाते। जय गुरुदेव। तो 10 अप्रैल को पूजन है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मतिथि, उनकी जन्मतिथि पर ये इस भूमि का पूजन रखा गया और सत्संग 5 दिनों का, 8 तारीख से लेकर 8, 9, 10, 11, 12 ये सत्संग का समय है। 1 दिन पूजन, बाकी दिन सत्संग, यानी आपको जानकारी पूरी। ये वो पूजन नहीं है केवल सामग्री भूखने वाला नहीं, इसमें साथ साथ तुम्हारी गंदे विचार गंदी भावनाएं गंदे कर्मों की भी आहुति दी जाएगी। ये वो पूजा वूजा नहीं है, बात को पहले समझिए। तो इसमें जो प्रेमी उपस्थित रहेंगे इसका लाभ उठाएंगे, ये सतयुग पूजन इसका लाभ उठाएंगे। जय गुरुदेव। अब जिनको जल्दी से जाना है आप लाइन में खड़े हो जाओ, मैं एक एक का दर्शन करूं, एक एक को प्रणाम करूं और प्रसाद देकर आपको भी जाऊं। चलो लाइन में खड़े हो जाओ। देखो ये प्रसाद सदगुरु की दया को लेकर, उन्हीं की दया, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, उन्हीं की दया से ये सब प्रसाद। आप इसको ले लें, बस धीरे धीरे घर की तरफ प्रस्थान। देखो एक बात को ध्यान रखिए, बड़े ध्यान से सुनिए, बातें बंद करो। सब प्रेमी एक 15-20 लोग ये अंतिम चलते चला की सेवा करो, इस सेवा का सबसे बड़ा लाभ है। एक फावड़ा ले लो, टिल जहां कहीं गंदगी कोई पड़ी हो, किसी रास्ते पर किसी के यानी खेत पे, तो उसको गड्ढा खोद के वही था, क्योंकि तुम्हारी गंदगी कोई उठाएगा तो तुम्हारी जो सेवा तुमने की है इसमें कटौती हो जाएगी। इसलिए आप मैं खुरपी का प्रयोग कर रहा था, खुरपी लेके जाओ, अपनी गंदगी अपने आप मिटा। किसी को उसके लिए
भागीदार मत बनो, आपका नुकसान हो जाएगा। तुम्हारी कोई गंदगी उठाएगा तो आपके सेवा में कटौती हो जाएगी। भजन तो आप करते हो, नहीं सेवा यहाँ की है, उसमें भी अगर बटाई आधा बटाई हो गया तो क्या मिलेगा। इतने 15-20 नौजवान कि कल जो सुबह मुझे साहब एक पड़ा ले लो, और जितनी इधर उधर गंदगी कहीं पड़ी हो उसको गड्ढा खोद के वहीं दाब, जरा देर में काम हो जाएगा, देर नहीं लगेगा, पर एकदम पाक साफ माहौल। तो लोग तुम्हें याद करेंगे कि ऐसे लोग आए थे जिन्होंने अपनी गंदगी अपने हाथ ही उठाने का काम किया, और ऐसा काम करके दिखाया जो दुनिया में ये स्वच्छता का अभियान किसी ने चलाया नहीं। मैं पहले ही हर समय आपको संदेश देता रहता हूं, जब भी किसी कार्यक्रम के में आओ तो 4 मीटर मोमजामा ओढ़ने, 4 मीटर बिछाने का, ये अपनी व्यवस्था अपने आप। जितना सेवाओं का भार कम लोगे उतनी तुम्हारी कटौती कम होगी, और एक थाली लोटा अपना ले आओ, तुम्हारा जूठा पत्तल को उठा के फेंकेगा तुम्हारे सेवा में कटौती कर देगा, वो आपको देनी पड़ेगी। इसलिए अपना थाली लोटा गिलास रखो, स्वच्छ बर्तन का भोजन भजन का बड़ा प्रभाव होता, भोजन का प्रभाव बर्तन पर। इसलिए प्लास्टिक का ये बर्तन तमाम तरह की जानलेवा बीमारी पैदा करने वाला, मैंने इसको बहुत पहले से बंद करा रखा, अपने झोले में रखो, लोटा कहीं प्यास लग गई दिशा मैदान कहीं कुछ तो फट से अपना दिया, ये हमेशा ध्यान। जब भी सत्संग में आओ अपनी पूर्व तैयारी और प्लास्टिक की थैली में खुरपी डालो, एक औजार भी आपके साथ रहेगा, कहीं कोई जरूरत पड़ी 4 लकड़ी डंडे गाड़े मुंजामा तान लिया नीचे लेट गया, उसका धूप का सब बचाव हो जाएगा। ये हमेशा स्वयं स्वावलंबी बनना चाहिए, तो इससे क्या होगा, आपके जीवन में साधुता सच्चरित्रता सत्कर्म की भावना जागृत, ये काम अपना साथ। और जब आओ दिशा मैदान की साइड पूछ लो भाई किधर जाना, गए बड़े दूर थोड़ा गड्ढा खो दिया, और जितने दिन आ रहा हो उसी गड्ढे में बड़ा दिशा मैदान करो, और मिट्टी से पैर से मिट्टी उसमें खिसका दो, तो जब तक यहाँ चलो गड्ढा अपने आप पूरा हो, कोई गंदगी कोई प्रदूषण कोई बीमारी कुछ, और एक सच्चा अच्छा आदर्श प्रस्तुत हो जाएगा स्वच्छता अभियान, और आगे पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे स्वच्छता अभियान को याद करेगा। बिना पैसे का कोई खर्चा नहीं, कोई मेहनत नहीं, और यह सबसे निवृत्ति मिल जाए, तो बात को ध्यान में रखो। तो कल पहले आप ही, क्योंकि यहाँ बिल्कुल माहौल एकदम स्वच्छ बना कर, मैं आपको जंगल में क्यों ले आया, यहाँ भजन ये आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम है, और वो जय गुरुदेव आश्रम गुरुद्वारा नैमिषारण्य में, और ये ज्ञानाश्रम जो भजन करना चाहेंगे या भजन की आवश्यकता समझेंगे या भजन अपने जीवन का सार शब्द मानेंगे, वे भूमि पर आके भजन करें, ये सबसे अच्छी और स्वच्छ पाकशाला भूमि है। इसीलिए इसका पूजन करके ही कोई काम शुरू किया जाएगा, इसीलिए तो 10 अप्रैल को सब जगह सूचना पहुंच चुकी है, सब प्रेमी जान गए आने की तैयारी करें, इसीलिए कम आए हैं, ये तो नहीं के बराबर परिस्थिति थी, तब तुम सब लोग परेशान हो गए, जब पूरा जमघट आ जाएगा तब तुम क्या करोगे, क्या सोचेंगे आप,
तुम्हारी बुद्धि सोचना बंद कर दे, कुछ सोच नहीं पाएगी, इतनी बड़ी भीड़ यहां इकट्ठी। अगर सब लोग साथ दे दें, मैं वो आदमी हूं जो इतनी भीड़ इकट्ठी कर दूंगा जो हिंदुस्तान में किसी के पास जय तुम्हारे साथ में आओ। केवल लोग थोड़ा साथ दे, साथ कुछ नहीं, केवल पानी की व्यवस्था, बाकी जगह मेरे पास है। धीरे धीरे मालिक की दया से और बन जाएगी। और अब की बात, जब पूजन में आप आएंगे तो यह सब व्यवस्था आपको अलग अलग, महिलाओं की अलग, पुरुषों की अलग। अपना वो 15 बीघे जमीन उधर पीछे, उसमें सेवा लग गई, बिल्कुल एकदम मैदान बढ़िया बना दिया जाएगा, उसमें एक समर करा दिया जाएगा, पानी की व्यवस्था, एक जनरेटर खड़ा कर दूंगा, लाइट की व्यवस्था, और वहां लोग ठहर जाएंगे हजारों की संख्या में, वहां कोई दिक्कत नहीं। तो ये व्यवस्था है सब धीरे, अभी तो ये जल्दबाजी में इतना हो गया, अभी हमको लगभग 1 महीने से कुछ ऊपर हुआ भी आ रहे, और 1 महीने में देखा था जो तुम कई सालों में नहीं करा सकते थे, 1 महीने में प्रीमियर करके दिखा दिया। और सब लोग फेल हो गए, सब कहते थे मशीनों का प्रयोग करना पड़ेगा, जेसीबी लानी पड़ेगी, ये वो, हमने कहा कुछ तुम देखते जाइए, हमारे पास इतनी जेसीबी है तुम गिन नहीं पाओ। देखा आपने 1 किलोमीटर से मिट्टी उठाकर यहाँ डाली, ये कोई कर सकता, या कोई करा सकता ये काम नहीं। ये मजदूरी देखे भी कोई नहीं करा सकता, और आपने देखा आपके सामने हुआ, और अभी भी कर रहे हैं, जो रहेंगे वो करते रहेंगे, तब फिर दूसरे आ जाएंगे। सिर्फ आप देखते थे, मैं तो आपको मौका दिया था कि क्षेत्र वालों को, ग्रामवासियों को उस सेवा में जाए, आपने सेवा का उल्टा अर्थ लगाया, तुमने कहा ये भी तुम्हारे भाग से निकल जाएगी, मैं अपनी स्वतः व्यवस्था करूंगा, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमको अगर जरूरत हमारी हो तो काम ले लो, अच्छी बात है, लेकिन हमको आपकी जरूरत नहीं है, आप आ जाओ, आपका सम्मान है, आप आ जाओगे, आपकी व्यवस्था करूंगा। परिवार में 10 आदमी नहीं रह पा रहे इस समय सरासरी, और यहाँ कितने हजार रह रहे, ये भी देखो आप पहले, इसको भी कितने प्रेम प्यार मोहब्बत से रहे। एक रसोई में भोजन बड़ा मुश्किल होता है इतने लोगों को, भंडारे तो अब आए हैं, पहले तो एक ही राशि भंडारा, एक ही रसोई थी, और सब को पूरा करती थी, और सब बड़े प्रेम से भोजन, सुबह नाश्ता समय पर, घर में चाहे लेट हो जाए लेकिन यहाँ समय पर नाश्ता, और जहाँ काम करते वहीं पहुंच जाते, दोपहर में सब सत्संग भी मिलता है, दर्शन प्रसन्न सब कुछ, ये तीनों काम इस भूमि पर हुए हैं, सत्संग, सेवा और भजन, यही 3 मुख्य काम है जीवन के, ये तीनों यहाँ ज्ञान आश्रम में हो रहे हैं। और दुनिया में तुम कहीं चले जाओ, किसी तीर्थ में, मुहूर्त में, कहीं धर्म स्थल पर, कहीं मतलब आप चले जाओ, लेकिन ये काम कहीं नहीं हो रहे जिनकी इस समय जरूरत आवश्यक है, ना कहीं सत्संग है, ना कोई सेवा है, ना कोई भजन करता, ये तीनों काम कहीं नहीं। तो आपको ये सब देख के समझना चाहिए, तो मैं इन प्रेमियों की तरफ से अगर कोई इनसे गलती भूल चूक हो गई हो, कोई गंदगी गंदगी आपके खेत में, तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि मेरे लिए आए हैं, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आगे ऐसी कोई बात नहीं होगी, मैं स्वतः व्यवस्था कर दूंगा, हमको किसी के खेत में जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास थी जमीन थी, मैं वहीं पर व्यवस्था बना दूंगा, 100-200 से 500 लठीने बनवा दूंगा, एक नाला वो
खुदूंगा उसी को सब खुम जाएगा। ये मत सोचो यहाँ कुछ हो नहीं सकता, जब ये जंगल में मंगल हो गया तो ये तो कौन बड़ा था, ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं सोचता था कि आप यहाँ खेतों में कभी खाद नहीं डाल पाए, कभी गोबर नहीं आ पाया, तो मैं आपको खाद की व्यवस्था कर दूं। ये इतने दिन लोग रहे हैं, अगर आप ये खेत में जाते तो दो वर्ष आपको खाद नहीं डालनी पड़ती। ये भाई कौन सा तुम्हारा नुकसान दे रहे, तुम्हें लाभ दे रहे कि नुकसान कर रहे तुम्हारा? लेकिन तुम अल्प बुद्धि में ये समझ नहीं पाते हो तो नुकसान है कि लाभ, तो मैं ये भी लाभ आपके वाक्य में नहीं जाने दूंगा। तो आप लाभ नहीं चाहते तो मैं क्या जरूरत तुम्हें लाभ दे, वो भी लाभ की मैं व्यवस्था कर दूंगा, मेरे पास सब व्यवस्था, किसी चीज की कमी नहीं है, मालिक की दया से सब तो प्रेमी तैयार हैं, इनको सिर्फ इशारा मिलना चाहिए, ये पर से सब कर डालेंगे। जय गुरुदेव, आपने जो सहयोग किया है मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ, आप ग्रामवासियों ने जो मदद की है, ये रास्ते का थोड़ा एक रास्ते का झंझट है, ये भी निपटा दूंगा, रास्ता बढ़िया बन जाएगा और सबके लिए, सब लोग ग्रामवासी भी क्षेत्रवासी भी आने जाने वाले मतलब यानी यात्री ये सब सबके लिए सुविधा हो जाए, कोई काम अच्छा हो तो सबके लिए अच्छा हो, उसमें बुराई तुम्हारी केवल सोच रह जाती है, बाकी बुराई कुछ नहीं होती। ये सब आपके सामने अभी वजारा भी एक महीने का समय बीच में है और एक महीने में ये सब काम तुम्हें अपना करके दिखाना, सब काम अपना कर लो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी सामने हाथ फैलाने की कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, अपना काम करो ताकि तुम्हारा परमार्थ कोई बटाई ना होने पावे, कोई हिस्सा ना लेने पावे, वो काम करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लाइन में खड़े, इस मैदान को भी साफ रखो, ये आपका साधना स्थल प्रार्थना स्थल दोनों और आवासीय स्थल, ये तीनों चीजें आपकी हैं। सुबह उठो ये मैदान की झाड़ू बिल्कुल एक एक कोई टुकड़ा कागज का दोना पत्थर का कोई यहाँ दिखाई न दे, वो पाक साफ यानी नमूना आपको पेश करना है, क्योंकि आगे लोग यहाँ आएंगे देखेंगे कि भाई ज्ञानाश्रम का मतलब क्या है, जब किसी को रहने का ज्ञान नहीं, बैठने उठने का ज्ञान नहीं, दिशा मैदान का ज्ञान नहीं, तो फिर ज्ञानाश्रम किस बात का, जरा सत्य पर विचार किया, किसी सत्य का चुनाव किया गया है तो बड़ा सोच समझ के ऐसे थोड़ी कर दिया। जय गुरुदेव, जय। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं अभी एक घंटे में आपसे मिले लेता, क्योंकि जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जिनको सुबह जाना आप सुबह चले जाओ, अगर रहने की छत आप रहिए, ये तो आपका घर है, आपका आश्रम है, आपकी मेहनत से बना, इसमें मेहनत कुछ है नहीं, मैं तो केवल रखवाला हूँ जो रखवाली कर रहा हूँ, बाकी ये सब आप आश्रम आपका, व्यवस्था आपकी, आपके लिए, आपके सुधार के लिए, आपकी मोक्ष मुक्ति के लिए, तो जब सब आप ही का काम है तो आप अपने हिसाब से करिए, जैसे अपने घर में करते हो व्यवस्था के लिए वैसे अपने आश्रम में करिए आप, इसमें तो सबको शामिल किया गया।